नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 18वीं किस्त है वो अब इस अक्टूबर के महीने में जारी होने जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होने जा रहा है। और सरकार लगातार किसानों के हित में कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। क्योंकि देखिए, अब खेती में भी बहुत तरीके के बदलाव यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि पहले खेती बहुत अलग तरीके की होती थी और बहुत ही सीमित खेती देखने को मिलती थी, यानी कि गिनी चुनी फसलें थी, उन्हीं को उगाया जाता था, उन्हीं की खेती की जाती थी। लेकिन अब खेती में भी कई सारे बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आधुनिक खेती को सबसे ज्यादा उपयोग में यहाँ पर लाया गया है और कुछ ऐसी खेती भी की जा रही है जिससे लागत कम होती है लेकिन मुनाफा काफी अच्छा हो जाता है, चाहे मशरूम की खेती मान लें या तमाम ऐसी खेती हैं जो कि किसान कर रहे हैं। अत्याधुनिक खेती के माध्यम से भी लगातार किसानों को फायदा हो रहा है। खेती में किस तरीके से नई नई टेक्निक्स आ रही है इससे भी किसानों को बहुत फायदा हो रहा है और ये सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है, उनको टेक्निक्स बता रही है कि अगर आप इस टेक्निक के माध्यम से खेती करते हैं तो कहने के जितनी आपकी लागत है उससे ज्यादा ही आपको मुनाफा ये कंफर्म मिलेगा। वो अलग बात है कि अगर मौसम की मार ना हो तो, लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है ऐसे में जो किसानों के लिए लगातार किस की योजना चला रही है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को जो 18वीं किस्त जारी हो जाएगी उससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। ऐसे में लगातार सरकार का पूरा यही फोकस है कि किसानों को सशक्त बनाया जा सके, क्योंकि जब किसान लगातार फसल उगाएंगे तो उससे ही, क्योंकि देखिए जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब ऐसे में अगर किसानी नहीं करेंगे तो फिर हम लोग खाएंगे क्या, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। तो ऐसे में अब सरकार का मुख्य फोकस यह रहता है कि किसानों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, किसानों के लिए कोई संकट ना है, जिसको लेकर सरकार हर एक चीज पर खास तौर पर केंद्र सरकार नजर बनाए रहती है। मेरे सहयोगी सोनी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम अपडेट लेंगे। सोनी, जिस तरीके से लगातार अब 18वीं किस्त जो है वो जारी होने जा रही है, अक्टूबर के महीने में 18वीं किस्त जारी हो जाएगी, क्या ताजा अपडेट आप एक बार बताएं? देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जिसका बेसब्री से काफी किसान भाई है जो काफी समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो उसकी 17वीं किस्त है वो आ चुकी है, लेकिन अब उनको इंतजार था 18वीं किस्त का, जिसका ऐलान भी हो चुका है। बस तारीख है जो सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि इस हफ्ते में उसकी तारीख भी सामने आ सकती है। तो इसमें किसानों को सबसे फायदा इसमें ये होने वाला है कि 18वीं किस्त जब किसानों के खाते में इसके पैसे आएंगे तो इससे किसान भाई हैं उनकी जो तमाम तरह की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी और कहीं ना कहीं मतलब ऐसे तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो सरकार किसानों के हितों के लिए लेकर आती है। और इसमें सबसे खास बात इसमें एक और है, मैं आपको बता दूँ कि जो भी किसान भाई हैं, जो भी किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके घर में कुछ ठीक नहीं है, तो वो इस इन राशि से अपने उन चीज़ों में मतलब यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए तमाम तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, उनको खेत के लिए फसल हो गई, तो जो भी उसमें लगती है चीज़ें उनमें वो सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मतलब KYC अपना नहीं कराया है तो वो आप ज़रूर करा लें, क्योंकि अगर आपने KYC अपडेट नहीं कराया है, आपने अपना आधार कार्ड उसमें नहीं कराया लिंक, तो फिर आप इस लाभ का बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे जो भी इसका लाभ हो। अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल इसमें जोड़ना चाहें, विपक्ष लगातार कहता है कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं, चाहे किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की बात हो या तमाम चीज़ों की बात हो, सरकार वाकई में काम कर रही है? सरकार वाकई में काम कर रही है, बहुत सारे किसान इस बात से सहमत भी। अगर आप पीछे का आंकड़ा देखें तो पीछे बहुत सारे ऐसी योजनाएं सरकार लोगों के लिए लेकर आती है, किसानों के लिए लेकर आते हैं जो काम करते हैं। अभी हाल ही में मैंने अभी बताया आपको कि इससे पहले जो किस्त आई थी उसने भी किसानों को हर महीने 6,000 रुपये उनके खाते में जाते हैं, जो कि 4 किस्तों में जाते हैं। तो इसमें किसानों को तो बखूबी फायदा हो रहा है और सरकार और अच्छा क्या कर सके इसके लिए भी वो कदम उठा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसानों को ज्यादा फायदा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन खास बात ये देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से चाहे किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात कर लें, क्योंकि अब जो ऋण है यानी कि जो ऋण मिल रहा है वो भी बहुत कम ब्याज दर पे मिल रहा है। अगर आप बैंक से लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ब्याज यहाँ पर चुकाना पड़ेगा, लेकिन सरकार जो है वो किसानों को बहुत ही कम ब्याज पे, जो कि ना के बराबर ही है, उस पर ऋण भी उपलब्ध करा रही है। क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है जिससे किसान चाहे कुछ भी उससे खरीद सकते हैं, अपने फसल संबंधित कोई भी चीज़, उपकरण किसानों को लगातार सरकार मुहैया करा रही है जिससे जो आधुनिक खेती है उसको जो नॉर्मल खेती से आधुनिक खेती में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो भी किसानों को बताया जा रहा है। उससे किसानों को वाकई में कई तरीके की जो फायदे हैं वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए पहले धान की खेती आमतौर पर, बाजरे की खेती, यही सब खेती देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो खेती में वो पैटर्न बदल चुका है, और मशरूम की खेती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अलग अलग शिमला मिर्चों की खेती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इससे भी किसानों की जो आय है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब जिस तरीके से 18वीं किस्त है वो तो यहाँ पर जारी होने जा रही है, लेकिन किसानों को और भी तरीके से सशक्त करने का जो प्रयास है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर जारी है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि अभी किसानों के लिए और क्या कुछ हो रहा है। पंकज जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि किसानों के लिए काफी कुछ सरकार यहाँ पर कर रही है, 18वीं किस्त जो है वो भी जारी होने जा रही है, आपकी नजर में किसानों के लिए क्या कुछ और सरकार कर रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए तो उसके बाद उन्होंने ये बोला जो किसानों का जो आर्थिक
स्थिति है उसको बेहतर करना है और उनकी आय को दुगुनी करें। तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री का जब पहली बार जब सत्ता में आए थे तो उस सत्ता के अंतिम कार्य जो समय चल रहा था उस समय में एक दिसंबर आपको 18 को 2018 को प्रधानमंत्री किसान योजना को लॉन्च किया गया था। उसके बाद से लगातार हर 3 महीने के अंतराल पे सरकार किसानों को 2000 रुपया का मुहैया कराती है। तो सरकार जब ये मुहैया कराती थी इसमें सरकार ये ध्यान रखती है जो ये जो 2000 रुपया है 3 किस्तों में जारी होती है। तो जब हम ये देखते हैं जो फसल का जो चक्र होता है वो भी 3 से 4 महीने का ये होता चक्र होता है। तो जैसे खरीफ का हो गया, रबी का हो गया, गेहूं का हो गया, जैसे अभी है अभी सरकार ने जारी किया है अक्टूबर और नवंबर के बीच में अमूमन सरकार एक किस्त जारी करती है। तो वो जो किस्त देखिए जो जारी हुआ तो अभी आपको इसकी खेती होने वाली है गेहूं की बुआई होगी। तो इसमें जैसे जुलाई में अगस्त जुलाई में होता है तो उस समय में क्या होता है उस समय धान की होती है। उसके बाद फिर आप देखिए फरवरी मार्च में होता है तो उसमें क्या होता है गेहूं को पटाई के लिए उसको गेहूं को पानी के लिए और उसको जो खाद और फर्टिलाइजर जो देना तो उसके लिए। तो सरकार इस तरह से ये करती है। बात करें उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश में इस योजना से इस बार जो है सो मतलब हर जो किस्त होता है पीएम किसान योजना उसमें के आंकड़े में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी जाती है। तो इस बार जो है उस किस्त में भी बढ़ोतरी है। इस बार 2.25 करोड़ के आसपास ये किसानों को ये मिलेगा, आपको फायदा होगा, उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होगा। किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतरी करने के लिए केंद्र सरकार लगातार एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है उनके फायदे के लिए। उनके आर्थिक स्थिति अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि उनको मजबूत करने का प्रयास है, किसानों को क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जा रहा है और तमाम योजनाएं जो चल रही हैं उससे वाकई में अब खेती में भी बदलाव आया। क्योंकि देखिए पहले बहुत नॉर्मल खेती होती थी, आप भी लगातार गाँव में देखते आए होंगे कि गेहूं की, बाजरे की, गन्ने की ये फसलें होती थी, लेकिन अब मशरूम तक खेती पहुंच रही है और तमाम जो आधुनिक खेती है पहुंच रही है। पहले क्या था एग्रीकल्चर का जो मोड है वो चेंज हुआ है। ये सिर्फ मतलब आप पूरे देश में, पहले हमें विदेशों में देखने को मिलता, लेकिन देश में भी अब जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, ऐसे क्रॉप्स हैं, देखिए गेहूं, दाल, चावल, इसकी जो मतलब गेहूं, धान और ये सब का, दाल का, ये तो एक जरूरी पैदावार है, लेकिन इसके बाद जैसे दलहन हो गया, जैसे तेलहन हो गया, उसके बाद से आप देखिए सुगर केन का हो गया, जैसे सब्जी का हो गया, जैसे मशरूम का आपने कहा, तो इन चीजों को जो कॉमर्शियल क्रॉप का क्या होता है, जो आप जब रबी, खरीफ और इस तरह की फसल जब आप करते हैं तो उसका चक्र 3 से 4 महीने का होता है। 4 महीने कई फसलें होती है जो उसमें 5-5 महीने का उसमें समय लग जाता है। तो मतलब सिर्फ 2 क्रॉप्स अगर आप देखें तो मोटा मोटी इंडिया में 2 क्रॉप्स होता है, एक तो रबी और एक खरीफ, मतलब धान की खेती और गेहूं की खेती। लेकिन जब आप इस तरह शॉर्ट टर्म खेती में आते हैं जिसमें कि आप सब्जी की खेती हो गया, मशरूम की खेती हो गया, तो ये सब क्या है, इसमें अगर जमीन का टुकड़ा आपके पास कम भी है तो आप इसको इसकी खेती कर सकते हैं। उसमें क्या होता है जो 15-20 दिन बाद, महीने बाद अगर किसी फसल की आप खेती करते हैं तो उसके बाद आपकी आमदनी शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है, जब आपने सब्जी उगाया या आपने मशरूम की खेती की, उसके साथ वो क्या है, जैसे उसका फसल हुआ आपने मार्केट में दिया और तुरंत आपको वो पैसा हाथों हाथ मिल जाता है। तो उसमें दिक्कत कहाँ आती है, उसमें आती है जो आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन और बाजार के कितने आप नज़दीक हैं। तो इसका मान, तो इसमें आप देखिए जो देश में आप अगर ये ट्रेंड देखें तो देश में लगभग तमाम जगहों पर सड़क जो यातायात की सुविधा है, सड़क यातायात जो है सो काफ़ी मजबूत हुआ है। तो इसके कारण क्या होता है, जो बाजार में किसान की जो खेती होती है, किसान को सपोज कीजिए 10 किलो उसने गोभी पैदा किया तो 10 किलो गोभी वो आराम से या तो उसके इलाके में उसकी खपत हो जाए, नहीं तो वो क्या करता है सड़क के किनारे आ जाता है, सड़क के किनारे जो लोग जा रहे हैं वो उससे खरीदारी करते हैं, ये नहीं होता है तो वो जो स्थानीय मंडी है उस मंडी में वो चले जाते हैं और तत्काल उनको उसका। तो किसानों के क्या होता है जो आमदनी का चक्र है वो चक्र चलते रहता है। तो इसलिए देश में जो है सो आपको इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, कॉमर्शियल क्रॉप के साथ साथ जो आपको फल और सब्जी का जो की खेती है वो जम के हो रही है और इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। वो आपको इसकी तो खेती कर ही रहे हैं, जैसे गेहूं, दाल, चावल, इसकी तो खेती उसके साथ साथ वो खेती उसके साथ ये खेती भी हो रही है। तो एक इसमें अच्छा फसल चक्र जब आप चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है जो जमीन की उर्वरकता जो है, फर्टिलिटी जो है वो बरकरार रहती है। तो उससे क्या होता है जो चक्र चेंज हुआ, फर्टिलिटी रहा, तो पैदावार में भी उनको
ये होता है, फायदा होता है। और जब उसमें क्या होता है, आप जब जब ये कॉमर्शियल क्रॉप करते हैं जैसे फल सब्जी मशरूम इसी खेती, तो आपके पास जो पैसे आते रहते हैं तो आपको एट ए टाइम सपोज कीजिए आपने गेहूं की खेती की, गेहूं की खेती में आपको अभी पानी डालना है, तो आपने जो ये सब्जी फल और ये सब की खेती की तो वहां से जो पैसा आया तो उस पैसे को आपने वहां लगा के अब उसको पानी की जरूरत है तो आपने दे दिया। तो इस तरह से मतलब देश में साइंटिफिक खेती हो रहा है, पहले हल बैल से ज्यादा होता था, ट्रैक्टर होने लगा, सरकार जो योजनाएं चला रही है कीटनाशक जो कीटनाशक आप देखिए जो ड्रोन के माध्यम से खुद हाथ से करना काफी फर्क हुआ, मॉडर्नाइज हुआ। और ये जो जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाए उस योजना का इसको किसानों को निश्चित रूप से फायदा बिल्कुल। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर अब 18वीं किस्त जो है वो यहाँ पर जारी होने जा रही है, और लेकिन खास बात यह है जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि अब जो किसानों की जितनी योजनाएं चल रही हैं उससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा हो रहा है, चाहे क्रेडिट कार्ड की बात कर लें, तमाम योजनाओं की बात कर लें, उससे सीधे तौर पर किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और कहने की अब जो किसानी है यानी कि जो खेती हो रही है उसमें भी काफी चीजें जो है वो उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। एक चीज और आपको फायदा मिलने जा रहा है, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जो देखिए किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किसानों के लिए कई पेंशन स्कीम्स वगैरह है जो बहुत कम इस पे रेट पे जो आप उसमें जमा कीजिए, उसमें कुछ अंशदान सरकार का होता है, कुछ आप देते हैं, और एक निश्चित समय के बाद जब 60 साल का उम्र हो जाता तो आपको देता, तो एक सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा जो है वो भी दिया जा रहा है, ना सिर्फ युवा किसानों को जो खेती कर रहे हैं, इन किसानों को जो बुजुर्ग हो रहे हैं या जिनको अपने भविष्य की चिंता होती है, अरे हम अभी तो खेती है भविष्य की मतलब क्या होगा। अच्छा उसके बाद देखिए क्रॉप इंश्योरेंस भी हो रहा है, किस मतलब जो खेती का आप इंश्योर्ड भी करवा सकते हैं, तो उससे भी आपको मान लीजिए कभी बारिश हो गया, कभी आगजनी होगी, कुछ हो गया तो आपका फसल बर्बाद हो गया या सूखा पड़ गया, तो आप उसको फसल इंश्योरेंस करवा के उसका आप ये भी आप लेते हैं। तो मतलब किसानों को मतलब चारों तरफ से मजबूती देने के लिए सरकार योजनाएं, और ना सिर्फ केंद्र सरकार चला रही है, राज्य सरकार को तरफ से भी मतलब इस पे है, और कई तो मतलब सामाजिक संगठन जो है वो भी इस क्षेत्र में काम बिल्कुल। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कहने की सरकार किसानों को सशक्त बनाने का जो प्रयास है वो काफी तेजी के साथ कर रही है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।